ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश से है जहां पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री राम खिलावन पटेल के गृह क्षेत्र मरपाटन में धान खरीदी केंद्र में बड़ा गड़बड़ झाला सुहियाबा है। बता दी के सूत्रन के मुताबिक फर्जी धान खरीदी केंद्र से या खरीदी और फरोख्त के काम जारी रहा, जिसके बाद मौके में टीम जब पहुंची तो पूरे फर्जीवाड़ा के खुलासा होगा। चोरी छुपे बता दें कि यहाँ धान के खरीद फरोख्त के काम चलत रहा है। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सभाजन इनका प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि अमरपाटन में धान उपार्जन केंद्र में बड़ा गड़बड़ झाला सहुआबा। उपार्जन केंद्र के अवैधानिक तरीके से ब्रांच खोल के धान के तौलाई पकड़ी गई है। वो कई बता दी कि दूसर कई यही क्षेत्र में गोदाम में दबिश दे के प्रशासन की टीम के द्वारा भारी मात्रा में अमानक धान घलाए पकड़ी गई है। आरोप यह लागल हमा के अमरपाटन रामनगर क्षेत्र में सफेद पोषण के संरक्षण में धान उपार्जन केंद्र में बड़े खेल खेले जा रहे हमा। जो में के जानकारी मिलल रही के मुताबिक अमरपाटन विकास खंड के ग्राम धोभाट में अवैधानिक तरीका से धान खरीदी के मामला पकड़ा गया है। देर रात एसडीएम के पांडे के द्वारा धोभाट पहुंच के दो नंबरी उपार्जन केंद्र के मुआयना किएगा, जहां आम के बगीचा में चोरी चुपके धान के तौलाई और खरीदी के काम जारी रहा। बड़ी बात यह है कि ये अवैधानिक केंद्र में चले वाली गड़बड़ी का वैधानिकता के जामा पहनावे खातिर ग्राम सनेही में बनाए जाए वाले उपार्जन केंद्र के साथ मिलत रहा। धोबाट के अवैध केंद्र में ग्राम सनेही बड़ा मां सरदार पटेल स्वयं सहायता समूह बछड़ा का आवंटित केंद्र के छापा लगा बोरा और टैग लगी पर्ची घलाए उपलब्ध रही। धोबाट में तौली जाए वाली धान के फीडिंग सनेही केंद्र में की जा रही। जानकारन के द्वारा बतावा गया कि शासन के द्वारा वैधानिक केंद्र सनेही में खोला गया है, पर धोबाट में व्यापारी के धान खरीदी करे खातिर बगीचा में अवैध केंद्र के व्यवस्था की गई रही। व्यापारी के धान पैकिंग खातिर छापा लगी बोरिया तक पहुँचाई गई। तौल के बाद बता दी कि यहाँ ट्रक में बोरी लोड गई के सीधे गोदाम भेज जी जाती रही है, जबकि धान के फीडिंग सनेही में कई दिन जात रही। किसान के स्लॉट घलाए सनेही में बुक होत रहे, पर तौल खाटे धोबाट में व्यापारी के धान होत रही। व्यापारी से बता दी कि 1800 से 1900 रुपया के भाव में धान खरीदी जात रही, जबकि शासन के द्वारा रेट 2040 रुपया प्रति क्विंटल निश्चित कीन गा हवे। आरोप यह हुआ है कि पंचायत राज्य मंत्री के गृह क्षेत्र में यह पूरा खेल सियासी सरपस्ती में बता दी कि चल रहा हवे। खबर हुए के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी हाथ डाले से कतरात रहे, पर बुधवार के शाम धोबाट के अवैध केंद्र सोशल मीडिया में बता दें कि सुर्खी में आएगा और एक यार कारण जो है प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम बता दें कि वहां दबिश दे खातिर पहुंचे। अमरपाटन क्षेत्र में रामनगर रोड में स्थित अवंतिका नाथ इंटरप्राइजेस के गोदाम में दबिश दे के प्रशासन के द्वारा संयुक्त टीम में भारी मात्रा में अमानक धान पकड़ी गई है। जानकारी यह मिली थी कि गोदाम में भारी मात्रा में अमानक धान के स्टॉक अवैध तरीका से धरा गया है, जिससे उपार्जन के आखिरी दौर में केंद्रन में का खपावा जा सके। बुधवार का एसडीएम के पांडे के निर्देश में तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा और थाना प्रभारी संदीप भारती के द्वारा मंडी के कर्मचारियों के साथ दबिशदय के धान का जब्त कीन गए है। वह गोदाम का घलाए सील कई दिन का है। बता दें कि अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर ब्लॉक के हर्रई में संचालित श्रीराम स्व सहायता समूह के खरीदी केंद्र में जांच दल के द्वारा 2800 कुंतल धान के फर्जी खरीदी पकड़ी गई। धान के उपलब्धता नहीं रही, बावजूद है कि 2800 कुंतल धान के फीडिंग पोर्टल में दर्ज कराई गई रही और नई बता दें कि खरीदी केंद्र में धान के बजाय नई धान के बजाय पुरान और खराब सड़ी धान घलाए पकड़ी गई है, जेका गोदाम में जमा करवावे के तैयारी रही है। यही मेर से बता दें कि रामनगर के सगौनी में संचालित माँ शारदा मैया स्व सहायता समूह से गोदाम में भेजी जाए वाली अमानक धान पकड़ी गए। 268 क्विंटल दौरान धान पकड़ी गए। धान का मैहर के भेड़ा स्थित वेयर हाउस में जमा करावे खातिर भेजा गया रहा, पर चूंकि गुणवत्ता सही नहीं रही एक के कारण धान का रिजेक्ट गए दिन रहा। बता दें कि उपार्जन केंद्र संचालक का यह धान साफ सफाई के बाद दोबारा गोदाम भेजे कर रहा, बावजूद है कि जुगाड़ के जरिए दूसरे गोदाम में यह धान जमा करवाई जात रही, पर जांच दल के द्वारा यह धान पकड़ लिए गए। तो कुल मिलाकर के बता दें कि मध्य प्रदेश के पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री राम खिलावन पटेल के गृह क्षेत्र मरपाटन में धान खरीदी केंद्र में सफेद पोषण के संरक्षण में यह पूरा खेल चलत रहा।
ऐसा नहीं रही कि प्रशासन और प्रशासन का जानकारी नहीं रही, पर चूंकि हाई प्रोफाइल मामला रहा, संरक्षण से यह पूरा खेल चलत रहा और यही कारण अधिकारी हलाय हाथ डाले से कतरात रहे और आखिरकार दबिश देहे के बाद यह पूरा खुलासा भा। जहां ने केवल बता दी के फर्जी तरीके से उपार्जन केंद्र खोला गया रहा, बावजूद के बता दी कि बड़े पैमाने पर यहां गड़बड़ झाला कीन गया रहा, संरक्षण दिन जात रहा और एक कारण बता दी कि संरक्षण के तहत यह पूरा खरीद फरोख्त के केंद्र खेल बता दी कि यहाँ अमरपाटन क्षेत्र में चलत रहा। हालांकि जांच में यह अब देखने वाली बात यह है कि अब संबंधित लोगों में आरोपियों के ऊपर कौन मेर की कार्रवाई की जाती या फिर सफेद पोषण के संरक्षण में बता दी कि जवाबदार का बचाए लेन जाए। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। हेलो। Isn't she asking for more? Isko malum hai bandi arena animations hai? Oh, she's from Arena Animation. We have many arena students working with us overseas. Congratulations. You're hired. Arena Animation se skill loge to demand mein rahoge. अरीना एनिमेशन डिमांड में रहोगे।